हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूं आप केपीजे स्टार अपडेट चैनल पे। आज की बात करने वाला आप जम्मू एंड कश्मीर टॉप 3 जॉब्स 2022 के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट के लिए इस समय कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके यहाँ पे फॉर्म लग रहे हैं वो यहाँ पे 10th एंड 12th पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे लग रहे हैं। इन फॉर्म के लिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो स्टार्ट करने से कि अगर आप न्यू से न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की न्यू से न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की नई भर्तियों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल केपीजे स्टार अपडेट को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों तक हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब यहां पे जॉब की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि बीएसएफ में यहां पे आपकी जो वैकेंसी है ट्रेडमैन में वो यहां पे निकल के आई है, जिसमें आपकी 10th पास मांगी गई है, जिसमें आपको बता दूं मेल एंड फीमेल यानी कि लड़कियां और लड़के दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आपके ऑनलाइन फॉर्म लगाने की जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूं 1 मार्च यहां पे रहने वाली है। तो इसमें आपको बता दूं ट्रेडमैन का यानी कि कुक में जो फॉर्म लगाएगा कुक का सर्टिफिकेट चाहिए, जो वॉशरमैन में लगाएगा उसका वॉशरमैन का चाहिए। तो काफी सारे लड़के बोल रहे थे कि सर कुक का सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, वॉशरमैन का कहां से बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको जाना है एक इंटरनेट कैफे पे, ठीक है। अगर आपको कुक का बनाना है तो आप इंटरनेट कैफे पे जाइए, अगर आपको वॉशरमैन का बनाना है आप इंटरनेट कैफे पे जाइए, अगर आपको सफाई वाला बनाना है तो इंटरनेट कैफे पे जाइए, यानी कि एक फोटो स्टेट वाली शॉप पे जाइए इंटरनेट वाली। तो वहां पे आपको क्या बोलना है कि अगर आपको कुक का चाहिए, ठीक है, तो आपको बोलना है कुक का एक सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। अगर आपको वॉशरमैन का चाहिए तो आपने वॉशरमैन का बोलना है। तो जैसे वहां से आप सर्टिफिकेट लोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, अपना फादर नेम, ठीक है, आपके पिताजी का नाम क्या है वो आपने फिल करना है, आपका विलेज, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है वो आपने वहां पे लिखना है। तो एक्सपीरियंस जो होता है एक्सपीरियंस नॉर्मल आपने वहां पे 2 साल का लिखना है, ठीक है, एक्सपीरियंस 2 साल का लिखना है। जैसे कि मान के चलो कुक का आपने फॉर्म फिल किया, कुक का आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाने के लिए वो फॉर्म फिल किया, तो उसके बाद आपने क्या करना है किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, रेस्टोरेंट वाला जो बंदा होगा जो उसका मालिक होगा रेस्टोरेंट का उसके पास जाके आपने स्टैंप लगवानी है, साइन लगवानी है। तो आपका जो साइन करवाने है और स्टैंप लगवानी है तो आपका कुक का बन जाएगा। जो वॉशरमैन वाले हैं जहां पे जो दुकानें होती है जहां पे प्रेस की जाती है, ठीक है, जहां पे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, तो वॉशरमैन वाले उनके पास चले जाइए, उनके आप सिग्नेचर करवाइए, उनकी स्टैंप लगवाइए तो आपका वॉशरमैन का बन जाएगा। सफाई वाले की बात करो जो म्युनिसिपल कमेटी वाले होते हैं, ठीक है, जो म्युनिसिपल कमेटी वाले होते हैं ना जो शहरों में, ठीक है, जो शहरों में बाजारों में जो सफाई करते हैं तो आपने उनके पास चले जाना है, ठीक है, म्युनिसिपल कमेटी का जो ऑफिस होगा जहां उनके पास चले जाइए, जो सफाई करने वाला बंदा होगा उसके पास चले जाइए। तो वो क्या करेंगे आपके उस सर्टिफिकेट पे अपने साइन करेंगे और स्टैंप लगवाएंगे तो आपका बन गया सफाई वाला, ठीक है। तो इस तरह आपके जो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इस तरह बनता है। लेकिन आपको बता दूं जो भी आप सर्टिफिकेट बनाओगे उस काम के बारे में आपके पास यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, वो काम आपको आता जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका वहां पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अब जॉब नंबर 2 की तरफ लेके चलूं तो आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है ये सीआईएसएफ की वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो तीनों फॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ये तीनों के तीनों फॉर्म ऑल इंडिया के युवा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया से कहीं भी आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो चैनल है इस चैनल पे 90% जो जानकारी है वो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दी जाती है, तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा है जम्मू एंड कश्मीर टॉप 3 जॉब्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर लूं दूसरी जॉब की, वो है सीआईएसएफ की कांस्टेबल की, ठीक है, कांस्टेबल की पोस्ट है जिसमें आपकी 12th पास यानी कि आपकी 12वीं पास होनी चाहिए विद साइंस, यानी कि आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, तभी आप सीआईएसएफ में फॉर्म लगा सकते हैं। अब आपको बता दूं इसकी जो लास्ट डेट है वो यहां पे 4 मार्च रहने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 4 मार्च रहने वाली है। जो आप नंबर 3 की तरफ आपको लेके चलूं तो आपको बता दूं आपके जे फॉर्म लग रहे हैं एसएससी सीएचएसएल में, जिसमें आपकी 12th पास यानी कि आपकी 12वीं पास मांगी गई है, इसकी जो लास्ट तारीख है मैं आपको बता दूं 1/3/2022 रहने वाली है, यानी कि इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च यहां पे रहने वाली है। तो फिलहाल ये थी यहां पे 3 टॉप 3 जॉब्स के बारे में जानकारी। अगर आप ये तीनों नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबको बता दूं कि आप सभी हमें यहां पे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जे रही इंडियन बॉय केपीजे स्टार के नाम से आपके सामने है, इंडियन बॉय केपीजे स्टार के नाम से मेरी आईडी है, तो आप सभी मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जब भी कोई न्यू से न्यू जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो आपको मेरे इस चैनल पे यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएगी और जो नोटिफिकेशन है वो आपको इंस्टाग्राम पे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इंस्टाग्राम की आईडी है इंडियन बॉय
केपीजे स्टार के नाम से। तो फिलहाल जीत यहाँ पे बीएसएफ सीआईएसएफ और एसएससी सीएचएसएल जॉब के बारे में जानकारी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।